हाँ जी, मैं महेश राज बोल रहा हूँ। महेश राज तेरा असली नाम है? हाँ सर। 3 दिन पहले 3:20 पर सने मार कोरेगांव पार्क से तूने 2 आदमियों को उठाया था? हाँ सर, इंजेवाड़ी की पार्टी थी। जिन दो लोगों को तूने ड्रॉप किया वो दोनों हमारे सस्पेक्ट्स हैं एक डबल मर्डर केस में। ये दोनों दिखते कैसे थे महेश राज? बोलिया बताओ उनका। वो मेरा ध्यान तो गाड़ी चलाने में था, वो उन दोनों को तो ठीक से देखा तक नहीं मैंने सर। उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी, कुछ भी याद है कुछ? नहीं सर। महेश, तूने 3 बार उसको कॉल किया था जिसने कैब बुक की थी, पहले 2:45 को, फिर 2:55 को, और उसके बाद 3:05 को, ऐसा क्यों? वो सब बुकिंग में उन्होंने मुझे साने मार्ग बोला था, मगर डिटेल एड्रेस मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने प्रॉपर एड्रेस जानने के लिए उनको कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पे रुक जा। वहीं रुको, हम आ रहे हैं। सब जल्दी आइए, देखिए हमको 15 मिनट से ज़्यादा वेट करना अलाउड नहीं है। और ऐसे ही वेटिंग चलता गया सब, और मैंने उनको 3 बार कॉल भी किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पे रुक जा, और इसीलिए मैं कंपनी में फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो लोग वहाँ पर आ गए। साहब पूरा 25 मिनट वेट हो गया। ला गया ना, गाड़ी निकल फटाफट। आप पर जाना कहाँ है? इंजेवाड़ी ले ले। जो कुछ भी तुझे याद है बता दे, उम्र, शक्ल, कपड़े, कुछ भी। उन लोगों को पिकअप करने से पहले मैंने 4 पिकअप किए थे, उनके बाद और 5 पिकअप किए थे। शक्ल वगैरह कहाँ याद रहती है साहब? अपना भी दिमाग है, कैमरा तो है नहीं। ये देख, इनमें से कोई था? इनमें से कोई नहीं था साहब। ये दो जो पीठ दिखा के खड़े हैं, ये वो है क्या साहब? इनके तो चेहरे नहीं दिख रहे। हमारा स्केच आर्टिस्ट आएगा अभी, तू जो जो बताएगा उसके हिसाब से वो इनका स्केच बनाएगा। दिमाग पर जितना जोर डाल सकता है डाल, इनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर। और याद रख, दो दो लोगों का कत्ल हुआ है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोग्य प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्नन्नि संयति नवानि देही नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावक नाचयनं क्लदन्त्यापो नाशोचयति मारुतः। ओम ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश गुरु शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम ध्वा अंतरिक्ष शांति प्रत। रिमा, पुलिस तुला फोन करना रहे वो सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पहचानने के लिए। हिमानी, बाबा की विल कहाँ है? उन्होंने कोई विल बनाई भी थी या नहीं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई विल बनाई थी या नहीं, उनके बैंक लॉकर में चेक करना होगा। और कब चेक करोगे बैंक लॉकर? मयंक काका, 13वीं तो हो जाने दो। इतने दिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अगले 3 दिन मैं हूँ यहाँ। चेक करो और बताओ मुझे कि विल में क्या लिखा है बाबा ने। पुलिस कह रहे कि उन्हें मालूम नहीं विलास और उसके सेठ मेघराज को किसने मारा। तेरे से कुछ बात हुई पुलिस की? कोई सवाल पूछे उन्होंने? नहीं तो मुझसे क्या पूछेंगे? नहीं, वो ऐसे ही। नहीं चले।
तो सोचो, जोर दो, कुछ तो याद करो। साहब मैंने उनको ठीक से देखा ही नहीं, तो क्या ठीक से बताऊं और क्या दिमाग पे जोर डालूं। सर मयंक कुलकर्णी के कॉल रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ नहीं है। मतलब तगड़ी प्लानिंग की असली कातिल ने। जी हाँ सर, और ये कैब ड्राइवर भी ज्यादा कुछ काम का नहीं लगता है। हिस्ट्री शीटर से बात हो? जी हाँ सर, कम से कम 2 दर्जन हिस्ट्री शीटर को राउंड अप किया है, पर किसी ने भी ऐसी सुपारी की कोई खबर नहीं सुनी। इस वक्त हमें इतना मालूम है कि 2 कातिल थे, जिसमें से एक का नाम था निखिल चौहान। अब ये नाम असली है या फर्जी, ये भी नहीं मालूम। मोहित, उनके लिए दरवाजा खोला गया था। एक बात और है सर, मेघराज को चलने में तकलीफ होती थी और विलास के होते हुए वो दरवाजा क्यों खोलते? लेकिन जब इन दोनों ने बैल बजाई तो दरवाजा खोला विलास ने। सिर्फ उनके लिए घर का दरवाजा खोला ही नहीं गया, बल्कि घर के अंदर एंट्री भी दी गई। या तो ये हो सकता है कि उससे किसी ने कहा हो कि वो लोग आने वाले हैं, उनके लिए घर का दरवाजा खोले, घर में एंट्री दे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने खुद उनको बुलाया। वैसे सर विलास के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई अजीब कॉल्स नजर नहीं आ रहे हैं। उसने सारी कॉल्स या तो अपनी पत्नी प्रमिला को की हैं या फिर अपनी मेम साहब हेमानी को, जो शायद काम से किए गए। अगर हम मान लें कि असली टारगेट विलास भोसले था, तो फिर मकसद क्या था? सर हो सकता है विलास और ये दोनों दोस्त हों, ये इन तीनों की जॉइंट प्लानिंग हो, साजिश हो। ये तीनों लूट के लिए घर में पहुंचे और जब इन लोगों ने देखा कि लॉकर में सिर्फ 20,000 कैश है, तो उस बात को लेकर इन तीनों में कोई अनबन हो गई और उन दोनों ने मिलकर विलास को मार दिया और उसके बाद मेघराज कुलकर्णी को, क्योंकि वो गवाही दे पाता। या फिर पहले मेघराज कुलकर्णी को, उसके बाद विलास को। या फिर सर ये पैसे का मामला है ही नहीं, कोई अफेयर शफेयर का मामला। उसकी पत्नी प्रमिला सर, उससे बात करते हैं। जरूर करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर असली टारगेट मेघराज कुलकर्णी था तो क्या मकसद हो सकता है? सर उसका बेटा अब भी हमारे शक के दायरे में है। बेटे को प्रॉपर्टी की सेल के पैसे चाहिए थे जो बाप उसे दे नहीं रहा था। और हिमानी, हिमानी क्लीन लगती है? लगती तो क्लीन है सर, लेकिन ये पैसों का लालच अच्छे अच्छों को मैला कर जाता है। ऑटो। दो लोग कौन थे का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, वो दो लोग आपके दोस्त जो आपके साथ आते थे जब आप अपने पिता से मिलने आते थे, कौन है? बस मेरे दोस्त हैं इंस्पेक्टर, उनका उस वक्त काम होता था तो मेरे साथ पुणे आते थे और साथ में लौट जाते थे। मुझे आपके उन दोनों दोस्तों से मिलना है मैम जी। सॉरी इंस्पेक्टर, 1 महीने से ज्यादा का फुटेज रखना मतलब हमें कई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेंगी, इसलिए हम कुछ दिनों से ज्यादा का फुटेज रखते ही नहीं। सॉरी सर, मुझे उन लोगों के बारे में नहीं मालूम जो मयंक काका के साथ आते थे। मेरे घर पे होते हुए तो वो लोग नहीं आते थे ना। इसका मतलब तुम्हारे मयंक काका जिन 2 लोगों को हमारे सामने पेश करेंगे, हमें मान लेना होगा कि वही 2 लोग थे। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ सर, वो तो आरजूबा थे और विलास भाव जो उन लोगों को जानते थे जो मयंक काका के साथ आते थे, और अब वो दोनों ही नहीं रहे। मेरी भतीजी गेम खेल रही है, उसने पुलिस को बोला है कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त आते थे पापा से मिलने, इसलिए अब पुलिस तुम दोनों से मिलना चाहती है। पुलिस को क्या कहेंगे भैया? आप जरा डिटेल में बताएंगे, आप जानना क्या चाह रही हैं? हिमानी कुलकर्णी के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ। सर अब मुझे नहीं मालूम ये दोनों कौन है।
स्ट्रॉन्ग डाउट है हमें। यही दोनों हैं जिन्होंने मेघराज कुलकर्णी और विलास भोसले का कत्ल किया है। दरअसल रीमा जी, उस दिन ही आपकी पूजा मंडली के साथ अंदर दाखिल हुए ताकि सीसीटीवी में पता ना चले। फिर कत्ल करने के बाद काफी देर तक ये कुलकर्णी के फ्लैट में इंतजार करते रहे, और जैसे ही आपके घर की पूजा खत्म हुई और भीड़ नीचे आने के लिए बाहर निकली तो ये दोनों भी उसी भीड़ में शामिल हो गए सीसीटीवी को पीठ दिखाकर। सर, मैंने पहले ही कहा था कि उस दिन हमारे घर में काफी लोग आए थे। ऐसे में मुश्किल होता है कि सब पर नजर रखना या फिर पूछना कि भाई आप कौन हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूजा शुरू होने के बाद कोई आकर बैठा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर कोई आया ही ना हो, बाहर ही हो। सिर्फ लॉबी से अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए हमारे घर आई भीड़ का इस्तेमाल किया हो। अच्छा रीमा जी, उस दिन आपने किसी ऐसे को देखा जो आपकी पहचान का नहीं था? मेरा मतलब जैसे देखकर आपको खटका हुआ कि ये कौन है और आपकी पूजा में क्या कर रहा है। नहीं सर, मैं भी तो मेरे हस्बैंड के साथ पूजा में ही बैठी थी, और अगर कोई ऐसा होता तो अभी तक आपको बता दिया होता। उस दिन आपके घर में जितने भी लोग आए थे आप उन सबकी एक लिस्ट बनाइए, मुझे उन सबकी सारी डिटेल्स चाहिए, उनके फोन नंबर, उनके पते और उनका आप लोगों से क्या रिश्ता है। सर, ये रवि है, ये वेणु है, ये गिरीश है और ये राजीव है, लेकिन ये दोनों कौन है मैं नहीं जानता। ये हमारे साथ नहीं थे। जी नहीं साहब, मुझे भी मालूम नहीं ये दोनों कौन है। नहीं सर, सर इनके चेहरे तक तो दिख नहीं रहे, तो पहचानने का तो सवाल ही कहां से आता है। पर एक बात है सर। क्या? सर वो दूसरा वीडियो देखिए जहां हम सब पूजा के बाद बाहर आ रहे हैं। सर एक बात नजर में आई, सर वो देखिए, सर इन दोनों के कपड़े बदले हुए हैं, लेकिन मुझे डाउट है ये वही दो लोग हैं जो अंदर आते समय थे। हमारी नजर से चूक गया सर, लेकिन जब गिरीश ने बताया तब पकड़ में आया। ये दोनों वही हैं, बस कपड़े चेंज हैं। कपड़ों पर खून के दाग लग गए होंगे, इस वजह से चेंज किए होंगे। जाहिर है सर, ये प्लान्ड मर्डर था। ये लोग अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए थे, काम किया, कपड़े चेंज किए और उसके बाद भीड़ में शामिल हो गए। गारंटी लोगों को पता था कि पूजा होने वाली है, इस तरह से अंदर जाना है और इस तरह से बाहर निकलना है। कत्ल तो इन दोनों ने ही किया, लेकिन मास्टरमाइंड कातिल कोई और है। सर हिमानी और उसकी माँ गायत्री दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सर शक करने जैसा कुछ मिला नहीं। और सर कांस्टेबल स्मिता को विलास भोसले की पत्नी परमिला की ड्यूटी पर लगा दिया था, लेकिन सर वहां भी कुछ खास नहीं मिला। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अभी तक ना हमें कातिलों का पता है और ना ही कत्ल के मकसद का। हमें मालूम है सर कि ये एक प्लान मर्डर था, और 99% विलास ने ही उन दोनों कातिलों के लिए दरवाजा खोला है। विलास या तो इनसे मिला हुआ था या फिर इन्हें जानता था। शायद ये दोनों कातिल इस घर में पहले भी आ चुके थे। ए, मैं निकल रहा हूँ, काम पे जाना है। मैं अभी थोड़ी देर और सोऊंगा। तुम दोनों तो अभी शाम तक उठने वाले हो नहीं, आके मिलता हुआ। वो दो हत्यारे जो उस दोपहर मेघराज कुलकर्णी के फ्लैट में दाखिल हुए, डबल मर्डर करके फरार हुए, वो दोनों पुलिस की पहुंच और नजरों से बहुत दूर थे। उन्होंने एक प्लान को अंजाम दिया था और अभी तक उनका पलड़ा भारी था। वो दोनों पुलिस की रडार में तो थे, लेकिन पुलिस को उन तक पहुंचने में बहुत देर लगने वाली थी। लेकिन अब इन दोनों की मोडस ऑपरेंडी, जुर्म के लिए अपनाया गया तरीका पुलिस के सामने लगभग आ ही चुका था। तू बताएगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। अरे रुकना, थोड़ा सिग्नल तो मिलने दे। वो घर काम वाली निकली है ना, इसका देख, और घर काम वाली निकलेगी। ये जो लेडीज गई अभी यहां से, उसका फ्लैट है क्या? तो अब बता दे क्या काम उठाया तुमने। सदा उतावला मत हो। वो देख, एक और काम वाली आ गई। ये उसी घर में काम करती है। अब आधे घंटे में एक और भाई आएगी, घर कम वाली। अब जब ये बाहर निकलेगी
वो होगी अपनी हरी झंडी। तो भाई इस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा अपने को? तो पहली बार कर रहा है क्या? तो शांति रखना, तुझे भी अच्छा रोकड़ा मिलेगा। हम जल तो वो लोग आ गए। हाँ वेणु, कसा है? कसा है वेणु? हाँ गिरीश, काय काका काय म्हणता है? चला वही नहीं, या 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 चला, रास्ता क्लियर है, हम लोगों को इन लोगों के पीछे चलते रहने का। जैसे ही लोग लोबी में पहुंचे टर्न मारने, समझा गया? यार हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तो बोल, चलना। ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा, ओम कुलदत्ताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्व शांति 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 करी से, ओम सर्व शांति अभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः अभी तो सोए है सेठ। तो रुकते थोड़ी देर, पानी तो पिला दो। ठीक है बैठो। भी सो रहा तो सिर्फ बीसी है। दोनों के फोन लेते हैं। फोन? फोन के चिल्लर मिलेंगे, चिल्लर। घर में और पैसे नहीं है क्या? हैं? कोई देगा ना सुपारी के पैसे? गुड्डे का फोन ले, टैक्सी वाले को फोन कर और टैक्सी बुक कर। लाओ कार। हाँ मैडम, एक कैब बुक करानी है मेरे को। अब तो बोल दे, तू एक जोड़ी कपड़ा तैयारी में लेकर आया, मेरे को बोला लाने के लिए। इधर आकर दो दो गेम बजाए हमने। क्या सिर्फ 20,000 रुपए के लिए? हैं?
भाई आप बता दे किसने दिया सुपारी, कितने की दिया सुपारी? निकल सुन, ऊपर पूजा खत्म होने तक हम लोग इधर ही वेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग निकलेंगे हम लोग उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। नीचे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना उनमें हम दिखेंगे नहीं ठीक से, बरोबर ना? कैब वाले का होगा, उसको बोल रुकने को, हम लोग आ रहे हैं। तो यार तुम लोग सिर्फ पूजा के टाइम ही आते हो, कभी ऐसे भी आया करो। कुणाल भाऊ हम तो पूजा के बहाने कभी कभी आ भी जाते हैं आपके यहाँ पर, आप तो वो भी नहीं आते। भाभी जी के साथ कभी बनाइए कोई प्रोग्राम, आइए घर पर। जरूर गिरीश भाऊ जरूर। चलिए चला गया भाई, नमस्कार। दोनों हत्यारों में से एक ऐसा था जिसे मालूम नहीं था कि उसे हत्या में शामिल होना है और क्यों हो रही है हत्या। वो मुख्य हत्यारे से बार बार सवाल कर रहा था जबकि मुख्य हत्यारा बड़े ठंडे दिमाग से अपना काम किए जा रहा था। हत्याकांड के बाद पुलिस भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, कत्ल क्यों किए गए और किसके कहने पर किए गए। नहीं सर, हम इनमें से किसी को नहीं पहचानते। लेकिन वो थे तो पहचान वाले, उन्हें घर के अंदर लिया गया, एंट्री दी गई और उस वक्त घर में दो ही लोग थे, तुम्हारे दादा और विलास। अब तुम्हारे दादा ने तो दरवाजा खोला नहीं होगा। नहीं सर, अजूबा बीमार रहते थे, वो दरवाजे तक तो नहीं आ पाते। तो जाहिर सी बात है दरवाजा विलास ने खोला होगा, वो तुम्हारे दादाजी की पहचान के थे या फिर विलास की, जिसके चलते वो घर के अंदर आए। अब हिमानी हमें ये जानना है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके लिए इतने आराम से विलास दरवाजा खोल देता। दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, हफ्ते में 6 दिन, मेरे पीठ पीछे क्या होता है, कौन आता है कौन जाता है, फ्रैंकली मुझे नहीं मालूम। विलास को काम पर कैसे रखा गया था? वो एक एजेंसी के थ्रू आया था। एजेंसी से तुम्हारे दादाजी ने कॉन्टेक्ट किया? जी सर, 1 साल से वो अजूबा के साथ काम करता था, कभी कभी उसकी बीवी भी आती थी प्रमिला, वो भी घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। तुम्हारे दादाजी काफी पैसा छोड़कर गए? जी, क्या बात है सर? हिमानी क्या ऐसा है कि तुमने हमें वो नहीं बताया है जो इस वक्त हमें पता होना चाहिए? मैं आपके इशारे समझ रही हूँ सर, पर ट्रस्ट मी, मुझे जो जो मालूम था, शक था, मैं आपको सब कुछ बता चुकी। तुमने हमें जो अपने काका मयंक कुलकर्णी के बारे में बताया, वहां पर हमें कुछ दाल में काला नहीं दिखा। वहां नहीं दिखा तो आप यहां ढूंढ रहे हैं? सर मैं बच्ची नहीं हूं और बेवकूफ भी नहीं, अच्छी तरह से जानती हूं मेरा पीछा हो रहा है, ऑफिस में इंक्वायरीज हो रही, मेरे आजूबा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरी अच्छी जॉब है, मुझे उनके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनसे बहुत लगाव था इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए मैं उनके साथ रहती थी। वो खूनी तुम्हारे दादाजी के घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उन्होंने सिर्फ लॉकर ढूंढा। वो घर में तब दाखिल हुए जब घर पर सिर्फ तुम्हारे दादाजी और विलास मौजूद थे। सर हमारे घर से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स ये जानता था कि दोपहर में अजूबा और विलास घर में अकेले रहते थे। घर के दोनों भाइयों को भी ये बात मालूम थी और पड़ोसियों को भी, हाउसिंग सोसाइटीज में सभी को एक दूसरे के घरों की खबर रहती है। लेकिन सोसाइटी में इन दोनों आदमियों की किसी को खबर नहीं। मैं अभी भी आपके बात का मुद्दा नहीं समझ पा रही हूँ, आप इसमें किसकी गलती साबित करना चाहते हैं, मेरी? क्या किसी की गलती नहीं, बल्कि दो दो वेल प्लान्ड मर्डर हुए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दादाजी के घर से खुद के घर की तरह वाकिफ था, लेकिन इतनी नफरत भरी थी उसके अंदर या फिर लालच कि उसने घर के मालिक को ही मार दिया और साथ में उनके अटेंडेंट विलास को भी। जो भी है वो, उन्हें पकड़ लीजिए सर, और हो सके तो मेरे सामने लेके आइए, मैं भी जानना चाहती हूँ उससे कि ऐसा क्या किया था मेरे आजूबा ने उनके साथ।
विलास के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ सर। तुम्हारी एजेंसी उसे प्लेस करती थी तो जरा रिकॉर्ड्स देखकर बताइए, कोई रेड मार्क है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी? बिना रिकॉर्ड देखे ही बोल सकता हूँ सर, विलास जैसा अटेंडेंट था ही नहीं। पेशेंट ठीक हो जाते थे फिर भी उसको नहीं छोड़ते थे। और मेघराज कुलकर्णी तो बड़े आदमी थे, उन्हें बेस्ट अटेंडेंट चाहिए था, इसलिए मैंने विलास को उनके पास भेजा था। साहब मुझे नहीं मालूम ये दोनों कौन है। विलास के कोई दोस्त ऐसे दिखते हैं? साहब मेरे पति के दोस्त वगैरह नहीं थे, वो पूरा टाइम अपने काम में ही लगे रहते थे। हाँ कभी बात बात करते थे तो अपने बड़े भाई मनोज से। क्या कहना चाहोगे मनोज? क्या बोलूं मैं साहब, भगवान का आदमी था मेरा भाई। कभी कभी शनिवार या रविवार को घर पे आता था, मिलते बात होती। विलास का कोई दोस्त नहीं था? वो तो मैं कह नहीं सकता साहब, लेकिन उसके पास टाइम ही कहाँ था, हमेशा काम में ही दिल लगा था और कोई आदतें भी नहीं थी उसकी, तो उसको कोई क्यों ऐसे मार डालेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। साहब कैसे भी करके दोनों को धर लो साहब, कितनी बेरहमी से मेरे पति को मारा, आखिर क्या दुश्मनी निकाल रहे थे वो लोग, मैं जानना चाहती हूँ, उनके चेहरे देखना चाहती हूँ। नहीं साहब पहले कभी देखा नहीं इन्हें। याद करो सविता, कभी कोई मिलने आया हो विलास से या तुम्हारे साहब मेघरा से? ऐसा ना साहब, एक बार मैं किचन में घुसी ना तो एक ही घंटे में फटाफट पूरे दिन का खाना बना दी थी और वहाँ से निकलती थी, फिर से नहीं लौटती थी साहब। और बाहर कौन आया गया मुझसे कुछ लेना देना नहीं था ना साहब, कसम से कहती हूँ साहब मैंने कभी किसी को देखा नहीं साहब, मैं बस काम से काम रखती थी साहब। सच कहता हूँ हमारी पूजा में ऐसा कोई नहीं दिखा जिसे हम जानते नहीं, लेकिन सीसीटीवी में जो है वो थोड़े अजीब लगते हैं, हमारे यहाँ नहीं थे। और दरअसल हम लोग पूजा के काम में बहुत बिजी भी थे। कितनी अजीब बात है ना, वॉचमैन ललित भी यही बता रहा था कि उसने भी उन दोनों को कभी नहीं देखा। पर ऐसा कैसे, मतलब कोई आता है चुपके से खून करता है आराम से चला जाता है, किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं। विमानी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बस ऐसे। साहब कौन है ये? किसी दिन तुम्हारे सेठ के घर पे आए थे ये लोग, सेठ से मिलने या विलास से मिलने? नहीं देखा साहब, मैं तो काम करके निकल जाती थी। अच्छा विलास से तुम्हारी कभी तो बात हुई होगी? घर में कोई झगड़ा हुआ था या कोई अनबन? कभी ना कभी कुछ तो कहा होगा उसने, याद करो। साहब काम करते करते इधर उधर की बात होती थी मगर घर काम के बारे में लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि सेठ जी बिगड़ जाते थे। बिगड़ जाते थे मतलब? उन्हें पसंद नहीं था मैं और विलास एक दूसरे से बात करें, उनको लगता था हम काम नहीं कर रहे गप्पा लड़ा रहे, तो फिर डांट देते थे। अब उनकी बात का बुरा नहीं मानते साहब। तुम डांट का बुरा नहीं मानते थे, पर तुम्हें ये कैसे पता कि विलास भी बुरा नहीं मानता था? विलास ने कभी तो तुम्हें कहा होगा, कभी कोई शिकायत की उसने सेठ के खिलाफ तुमसे? नहीं साहब, विलास तो एकदम सीधा साधा आदमी था, सेठ की बात का बुरा नहीं मानता था वो, उस नालायक जैसा नहीं था। कौन नालायक? वही परशुराम भाऊ का लड़का बेवड़ा, एक नंबर ही काम चोर। ये परशुराम भाऊ कौन? विलास के पहले ना वो यहाँ काम करते थे, उनका लड़का आता था, सर में दर्द था, वो एक काम ढंग से नहीं करता था। मैंने परशुराम भाऊ को भी बोला था आपका लड़का कोई काम ही नहीं करता, फिर सेठ जी ने भी उसको निकाल दिया काम से, फिर विलास आ गया। घर में काम करने वाली निर्मला से पुलिस को मिली ये एक खबर इस केस का ब्रेक थ्रू साबित हुआ। अतीत का एक साया रोशनी में आया था, केस का एक ऐसा पहलू सामने आया था जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की रेंज में ही नहीं आया था, लेकिन इस खबर के मिलने के बाद केस तेजी से आगे बढ़ा और बहुत कम समय में सुलझ गया। जुर्म का मकसद सामने आया, पर क्या ये मकसद किसी और बड़े मकसद से जुड़ा हुआ था? हाँ ऑफ कोर्स मैं परशुराम भाऊ को जानती हूँ। लेकिन इस आदमी का तुमने जिक्र तक नहीं किया। फ्रेंकली सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इस केस से कुछ ताल्लुक हो भी सकता है। इनका बेटा भी काम करता था तुम्हारे घर में? नहीं, इनका बेटा क्यों काम करने लगा? परशुराम भाऊ आजूबा के अटेंडेंट थे, शायद उनका बेटा कभी आया होगा घर पे, पर मैं तो घर पे नहीं रहती थी, पर काम परशुराम भाऊ ही करते थे।
मैं उनके बेटे बेटे को नहीं जानती। विलास के पहले परशुराम कदम को अटेंडेंट ड्यूटी के लिए भेजा गया था। ये परशुराम कदम का बेटा भी उसके साथ काम करता था, सुना है पियक्कड़ है? हाँ सर, एक नंबर का निकम्मा है वो अविनाश। अगर अविनाश कदम निकम्मा है, शराबी है, तो ये परशुराम कदम उसे अपनी जगह काम पर क्यों भेजते थे? शायद कुछ काम सीख जाए इसलिए, लेकिन लेने के देने पड़ गए सर। ये अविनाश काम चोरी के अलावा बदतमीजी भी करने लगा, मेघराज साहब को उल्टे सीधे जवाब देने लगा, बस कंप्लेन आ गई। अविनाश, अविनाश, अविनाश! क्या हुआ दादाजी? अविनाश कहाँ मर गया? वो तो सो रहा है। उठाओ उसे और उठाकर उसे मेरे सामने बुलाओ। अविनाश, ये हो क्या रहा? तो शराब की बू कैसी आ रही है तुमसे? बू आ रही है? कहाँ आ रही है बू? निर्मला ने अपनी आंखों से देखी शराब की बोतल रसोई में। अरे उसने पीते हुए देखा क्या? जूस था वो ऐसे कान भरती रहती है और आप शुरू हो जाते हो। और तू ड्यूटी के वक्त सो कैसे सकता है? ए दादू, काय पाई जाए तुला। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे अपना सर दबवाना था। अरे अभी तो दबाया था थोड़ी देर पहले सर तुम्हारा। तो क्या कोई एहसान किया मुझ पर? देख अविनाश, तू हद से बाहर जा रहा है। बुला बुला अपने बाबा को फोन करके यहाँ, अभी की अभी। मेघराज जी देखिए, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत के लिए इतना चिल्लाना ठीक नहीं सर। अरे अगर मेरी तबीयत की फिक्र होती ना तुम लोगों को, तो ऐसे नालायक आदमी को काम करने के लिए नहीं भेजते मेरे यहाँ। सर मैं अभी परशुराम से बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ सर। कोई जरूरत नहीं प्रकाश परशुराम से बात करने के लिए, उसे मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहा था कि अविनाश ऐसे ही है, माफी मांगने लगा मुझसे, कह रहा था धीरे धीरे काम करते करते सुधर जाएगा। अरे मैंने यहाँ कोई सोशल सर्विस सेंटर बना रखा है शराबियों को नशा छुड़ा करके उनको सुधारने के लिए। अरे मैं एक बूढ़ा बीमार आदमी हूँ, मुझे अपनी मदद के लिए एक ढंग का अटेंडेंट चाहिए, जो तुम मुझे नहीं दे सकते हो। तो शहर में और भी एजेंसीज हैं। नहीं नहीं सर, ये परशुराम अविनाश को अब भी रिप्लेस कर देता हूँ और उसकी जगह पे आपको बेस्ट अटेंडेंट देता हूँ। और सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक दो दिन के बाद परशुराम कदम को रिप्लेस करके विलास को भेज दिया मैंने काम पर। प्रकाश मुझे इस परशुराम कदम का एड्रेस चाहिए। ठीक है सर, अभी SMS करता हूँ। और बाप बेटे दोनों के फोटोग्राफ भी जल्द से जल्द। जी नहीं, मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी सर। ये बात तब की होगी जब मैं अपने पापा के घर में रहती थी। मुझे यहाँ आए बस 1 साल हुआ है। जब मैं आजूबा से मिलने आती थी तब परशुराम भाऊ से मिलती थी, पर ये इनका बेटा अविनाश, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। लेके आओ दोनों को। 5 दिन से उसने घर पे मुंह नहीं दिखाया साहब, हम सब परेशान है। अविनाश के सारे दोस्तों के नाम और पते बताओ। उसका तो एक ही दोस्त है साहब, दारू, जो उसको दारू पिलाता है, दोस्त बना लेता है शराबी कहीं का। वैसे इस बार क्या कर दिया साहब उसने? मेघराज कुलकर्णी और विलास भोसले, नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल, मैं उनके यहाँ काम करता था, सुना है उनका मर्डर हो गया है। हाँ, और इन दोनों के मर्डर में तुम्हारा बेटा विनाश सस्पेक्ट है। अगर तुम उसे कहीं भी छिपा रहे हो तो बता दो, ये डबल मर्डर है। ये क्या कर दिया अविनाश ने? परशुराम जल्दी पता बता उसका। अगर मुझे पता चलेगा तो आपके पास घसीट कर लाकर डाल दूंगा साहब। हमारे आदमी तुम्हारे घर पे और तुम सब पे नजर रखेंगे। बस एक बात याद रखना, उसकी मदद की तो कानून से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। साहब, इस अविनाश कदम को मेरे लड़के ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने जो उसका दूसरा साथीदार बताया था निखिल चौहान, हाँ वो चाय की टपरी पर चाय पी रहा है। भाई ज़्यादा साहब, कैब बुक करनी है इंजेवाड़ी के लिए। तेरा दोस्त अविनाश कहाँ है? बोल कहाँ है अविनाश? सबसे पहले ये बोल कि अविनाश कहाँ है? बोल सर, उसका दोस्त है साहब रजनीश, हम लोग उधर ही छुपे हुए थे साहब, और वो भी 5 दिन से उधर ही सो रहा है साहब। मैं मेरी आई की कसम खा रहा हूँ साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि मर्डर वर्डर का प्लान है साहब, मेरे को लगा चोरी करने का है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, नहीं तो मैं जाता ही नहीं साहब मैं उधर। और ये रजनीश रहता कहाँ है? इंजेवाड़ी में साहब। मुझे कोई फोटो दिखा है 2 लोगों के, मैंने तो बोला मैं तो नहीं पहचानती, फिर पूछा घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या, मैंने बोला हाँ परशुराम भाऊ के लड़के अवि को लेकर एक दिन गर्मा गर्मी हुई थी। क्या? लेकिन निर्मला तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे ताई मुझे तो लगा आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन इस
अविनाश कदम को और उसके साथीदार निखिल चौहान को पता कैसे चला कि हमारे घर पूजा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विलास उन लोगों के साथ मिला हुआ था? कितना पिएगा और कितना सोएगा अविनाश? पुलिस ने अविनाश कदम को धर लिया है प्रमिला। उसने और उसके एक दोस्त निखिल चौहान ने मिलकर विलास और निद्रा सेठ का मर्डर किया था। किसने भेजा था? मतलब मतलब किसके कहने पर तूने ये कांड किया? पैसा सटक गया था मेरा, वहां भी बीकर सो गया था। उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, तुझे गुस्सा था उन पर, लेकिन कत्ल करने का आइडिया किसका था? पैसे किसने दिए? नाम बोल उसका। उस बुड्ढे की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा था मेरे, जिंदगी खराब की ना मेरी। रोज नशे नशे में जाएगा तो कौन काम पर रखेगा? अरे मूर्खा शर्म कर, कितने साल मैंने मेघराज सेठ की सेवा की, तेरे को काम पे लगा, सोचा कि तू काम को आगे बढ़ाएगा और मैंने दूसरा काम पकड़ा। अब देख न तेरे पास काम है न मेरे पास काम है। प्रकाश भाई मेरे को काम पे लेने के पहले 10 बार सोचते हैं। वो खुद बोले मेरे से, वो डरते कि कहीं तू ना टपक पड़े। लड़ा के तो कल से मेरा दिमाग खराब है, चाय पीने दे अब तू। खराब कर कर कैसा हैवान है रे तू, बाप पे हाथ उठाता है। अरे मेलिया लाज नहीं वाटे तुला, बापा और हाथ उठा तो घुमा मेरा बेजा। फिर किसी ने लॉक पट्टी की ना, काम मिलेगा या नहीं, नशा छोड़ेगा या नहीं, तो दांत फोड़ दूंगा थोड़े से, चिप कर दूंगा प्लेट से। अगर तूने बुड्ढा बुड्ढी की साइड ली तो तेरी एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं। समझ रहा कि नहीं? समझ रहा कि नहीं? कहीं भी कोई काम नहीं दे रहा था मेरे को। 50 बार तो प्रकाश भाव के ऑफिस के चक्कर काटे, वो भी तू तड़क से बात करने लगा मेरे। दूसरी एजेंसी फोन किया, वहां भी खबर पहुंच गई थी। इस बुड्ढे के कारण कहीं कोई काम नहीं दे रहा था, मेरी लाइफ खराब कर दी थी इस मेघराज कुलकर्णी। अरे अविनाश तू इधर। मेघराज सेठ कशा है? सेठ अच्छे है, पर तू इधर कैसे? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा दादू का आशीर्वाद लेता जाऊं। पर अभी तो सोए है सेठ। तो बैठता हूँ थोड़ी देर। विलास बाबू मैं एकदम बदल गया हूँ, मेरे को दादू को बस एक बात बोलने का। दादू ने जो मेरे को सबक सिखाया ना, मेरी लाइफ एकदम बदल गई। मैं देखता हूँ वो उठे कि नहीं। विलास ने जब दरवाजा खोलकर अविनाश और उसके दोस्त को अंदर आने दिया, उसे ये बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि अविनाश के इरादे क्या हैं। मेघराज को मारने के प्लान में विलास भी बलि का बकरा बना। मेघराज और विलास दोनों अविनाश के भयंकर प्लान का शिकार हुए। सिर्फ 20 हैं तो तूने कहा था लाखों में खेलेंगे अपन। मुझे लगा बुड्ढा मालदार पार्टी है, 40-50 पेटी पड़े होंगे। साला कंजूस खड़ूस, मेरे को लग रहा है तेरे को मालूम था। मंजे इधर पैसा है ही नहीं, हम इधर लूटने आए नहीं थे। तेरे को किसी ने सुपारी दी है ना इस बुड्ढे को मारने की? अपने को पैसा मिलने वाला है इस मर्डर का, तेरे को मिलेगा ना पैसा? मुझे कौन सुपारी देगा, मुझे सच में लगा घर में लाखों पड़े होंगे। अरे एक बात और। क्या? मेरे को इस बुड्ढे को अच्छा खासा सबक सिखाना था, इसकी वजह से मेरी लाइफ में पनौती लग गई। तो मर्डर के बाद तो मेरी लाइफ में पनौती लग जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा बे। बुड्ढे का फोन ले, टैक्सी वाले को फोन कर और टैक्सी बुक कर। इस विलास को भी सबक सिखाना था मेरे को, इसकी वजह से भी कई काम नहीं मिल रहा था मेरे को। तू सबक सिखाएगा? तू 24 घंटे नशे में रहता है, अपने माँ बाप पर हाथ उठाता है, दो दो कत्ल कर चुका है, तू सबक सिखाएगा? मोहिते दोनों का स्टेटमेंट ले लो और तगड़ी चार्जशीट फाइल करना, ताकि अदालत भी इन्हें अच्छे से सबक सिखा सके।
मेघराज और विलास से जुड़े सभी लोग शॉक्ड रह गए इस डबल मर्डर के पीछे के राज को जानकर। विलास भोसले ने दरवाजा खोलकर एक ऐसे आदमी को अंदर आने दिया जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत का लावा उमड़ रहा था, और सीधे साधे विलास को जरा सी भनक तक नहीं थी कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला था। रही बात बिल्डिंग में आयोजित पूजा की और उस पूजा के मेहमानों की आड़ में कातिलों के बिल्डिंग में दाखिल होने और वहां से भाग निकलने की, तो ये महज एक इत्तफाक था। अविनाश ने लोगों को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा और उसी वक्त सोच लिया कि इसका फायदा उठाया जाए, और वाकई में इस वजह से पुलिस को उन तक पहुंचने में देर हुई। एक कुंठित नाराज कर्मचारी का गुस्सा आसानी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन किसी के लिए दरवाजा खोलना या ना खोलना ये फैसला करना उतना भी मुश्किल नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।